हेलो एंड वेलकम टू योर स्मार्ट न्यूज चैनल। बात करते हैं आज की सबसे पहली खबर की। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार अपने चरम पर है। कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम जिलों में इस समय कोरोना अपने चरम पर है। लगातार वायरस बढ़ता जा रहा है और श्री उद्धव ठाकरे जी जो CM है उन्होंने भी साफ साफ बयान दिया कि अब महाराष्ट्र में तीसरी लहर आने की जो तैयारी शुरू कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत तो नहीं कि 15 मई के बाद लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा। जाहिर सी बात है, जब तीसरी लहर की बात चल रही है और अभी दूसरी लहर से हम निपट नहीं पाए हैं, तो अगर लॉकडाउन अगर बढ़ाया जाता है 15 मई के बाद तो क्या होगा जनता का? जी हाँ, जनता का सबसे पहला सवाल ये है कि सरकार लॉकडाउन लगा रही है जनता के हित में, लेकिन सरकार क्या उनके जीवन यापन के बारे में भी सोच रही है, उनके EMI के बारे में भी सोच रही है, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोच रही है? उनके बारे में क्या है जो दिन रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, दिन दहाड़ी मजदूर, उनके बारे में क्या है? इन तमाम मुद्दों पर लेकर सरकार ने कुछ बातें हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं आज की सबसे पहली खबर की। रिक्शे वाले से लेकर टैक्सी ड्राइवर तमाम लोगों का कहना है कि सरकार ने जो 1500 की मदद की घोषणा की थी, क्या 1500 में हमारा एक महीने का किराया निकल सकता है? एक महीने का हमारे परिवार का भोजन का व्यवस्था हो सकता है? एक महीने में क्या हमारा EMI 1500 में जा सकता है? तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से पूछा गया सवाल, अभी तक इसका देखिए क्या सरकार सोचती है। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वाकई में ही भुखमरी से मरेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जनता के हित में नहीं हो रही है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से दुकान धंधा सब बंद होने के बाद लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं, EMI इतनी ज़्यादा है, बिजली के बिल भरने हैं, इनमें कोई रियायत नहीं। तो लॉकडाउन ना लगाने के पक्ष में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।